हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं YouTube का क्लोन एप्लीकेशन। तो यहां पर हम कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे React JS में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यही सेम एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये कैसे काम करती है इसका डेमो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सर्च बार है और इसके इंटरप्रेस इवेंट पे हमने जो है यहाँ पर सर्च का ऑप्शन रखा है, यानी कि इसके लिए कोई अलग से बटन नहीं है। सिंपली अगर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये लिस्ट जो आ रही है, यहाँ पर हमको उससे रिलेटेड यानी कि कीवर्ड जो हम इसमें टाइप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट और आगे टेक इन्फो, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है टेक इन्फो, और इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर उससे रिलेटेड सारा डेटा हमको आ जाएगा। और जो टॉप मोस्ट वीडियो रहेगा वो हमारे पास वीडियो प्लेयर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप किस पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर उसका जो है वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगा और साथ ही में देखिए यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन और उसका टाइटल भी शो होगा। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे React JS की मदद से। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कैसे हम जो है बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करते हैं और कंपोनेंट एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, यानी कि हम देखने वाले हैं पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं React JS में, और साथ ही में थर्ड पार्टी APIs को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी React के एप्लीकेशन में। तो ये सभी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि React एक कॉम्पोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, तो हम क्या करेंगे, हमारी पूरी एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिसे हम कॉम्पोनेंट कहेंगे। तो कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है, सिंपल जो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे हम उसको कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन एक ही कंपोनेंट में हम क्रिएट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं रिएक्ट का। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो सर्च इंजन जो लिखा हुआ है उसको अलग कॉम्पोनेंट में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट है तो इसको अलग कंपोनेंट में, इस वीडियो को अलग कंपोनेंट में, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो लिस्ट आ रही है उसको भी अलग कंपोनेंट में हम रखेंगे। तो इस वीडियो में आपको कंपोनेंट के डिजाइन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे हम जो है हमारी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। तो भले ये छोटी एप्लीकेशन अभी लग रही हो, लेकिन बिलीव मी आगे चल के आपको ये बहुत बेनिफिट देंगी। तो इसके बाद में जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे तो हम इसमें और एडवांस करेंगे। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, सिंपल जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से जो है एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको पता होगा एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं, नहीं पता तो सिंपली आप गूगल भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें अगर विंडोज यूज करते हैं तो सिंपल टर्मिनल में आए। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल में आ चुका हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, एक तो npx का इस्तेमाल कर सकते हैं, npx क्रिएट डैश रिएक्ट ऐप और आपके एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि आप लिख सकते हैं यूट्यूब क्लो, या फिर अगर आपके सिस्टम में क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल है तो आपको npx लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करें, क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन का नाम लिख लें, फिर इंटर प्रेस कर दें, मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएंगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है ताकि थोड़ा हमारे पास टाइम बचा रहे। तो साथ ही में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन भी कर देते हैं। तो रन करना बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपने जहाँ पर भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके अंदर आए, जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पर ई ड्राइव है और ई ड्राइव के अंदर जो है मेरे पास फोल्डर्स है व्हाइट ट्रैक पुल के, फिर उसके अंदर React JS का फोल्डर है, फिर उसके अंदर YouTube एग्जाम्पल का एक और फोल्डर है जिसमें मैंने ये YouTube क्लोन की एप्लीकेशन क्रिएट किया हो। तो आपने जहां पर भी क्रिएट किया है उसके पाथ पर आप यहां पर आए और यहां पर आप क्या करें, यार्न स्टार्ट लिखें, क्योंकि अगर आपके पास यार्न का पैकेज इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं npm स्टार्ट लिखें, तो भी दोनों भी सेम कमांड है, बस यार्न जो है वो फास्ट है और फेसबुक की तरफ से जो है यार्न पैकेज मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है। तो रिएक्ट पर काम कर रहे तो मस्त है कि आप यार्न पैकेज मैनेजर जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें आपके सिस्टम में। फिलहाल मैं भी क्या करता हूँ, npm स्टार्ट ही रहने देता हूँ। अगर आपने यार्न इंस्टॉल नहीं किया तो सेम प्रॉब्लम आ सकती है आपको कुछ कोड समझने में, तो मैं एज इट इज इसको npm ही भी रहने देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड में रन होगा, साथ ही में इस एप्लीकेशन को आप क्या करें, आपके कोई भी फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर ले। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एप्लीकेशन ओपन है विजुअल स्टूडियो कोड में। आप चाहे तो आपका कोई भी फेवरेट टेक्स्ट एडिटर आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में से ओपन करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर देखिए
इस पब्लिक को एक्सपेंड करेंगे आप इस फोल्डर को, तो इसके अंदर हमारे पास होती है एक index.html की फाइल, जो कि हमारी मेन टेम्पलेट फाइल होती है। जो भी चीज दिखती है ब्राउजर पर इस index.html के थ्रू नजर आती है। और बिहाइंड द सीन हमारे पास क्या चलता है, यहाँ पर देखिए आप इस src के फोल्डर के अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी एक index.js की फाइल है। तो अब ये दोनों में फर्क क्या है, देखिए ये जो है हमारी टेम्पलेट फाइल है और ये हमारी जो है बिजनेस लॉजिक के लिए फाइल है index.js, यानी कि जितना भी हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोड रहेगा तो हम इस इंडेक्स और इसके सब कंपोनेंट में हम जो है इसको ऐड करेंगे। तो इसके रूट कंपोनेंट के अंदर जो है हम सारा काम करेंगे। तो रूट कंपोनेंट है इसमें ऐप का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप css, ऐप js, ऐप test.js। सो आई होप आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत फैमिलियर होंगे, नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, उसमें मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाने वाले, सिंपली अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते हैं रन हो चुकी है या नहीं, और देखेंगे इसका बेसिक सा लुक। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं यानी कि न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके बाद में आपको क्या इंटरफेस नजर आता है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर रन है। जैसे हम ब्राउजर में चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है इसका बेसिक सा एप्लीकेशन का लेआउट होता है। तो हम अभी क्या करेंगे, तमाम जो डिफॉल्ट हमारे पास सेटअप होता है इसको रिमूव कर देंगे और टोटली फ्रॉम द स्क्रैच जो है हम क्रिएट करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं इसका डिफॉल्ट यूआई ही सिर्फ चेंज करते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले app.css को ओपन कर लें और उसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है उसको आप क्या करें यहाँ से रिमूव कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूँ। और साथ ही में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर index.css की फाइल है, इसके अंदर का भी डिफॉल्ट कोड जो है हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। तो कंट्रोल एस यहाँ पर आप कर दें तो यहाँ से भी ये रिमूव हो जाएगा। और app.js के अंदर जाए, यहाँ पर देखिए आपको इसके अंदर जो है लोगों की फाइल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से इस इम्पोर्ट को रिमूव कर दें। और साथ ही में आप क्या करें, यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट हमको मिलता है ना रिएक्ट का, इसको रिमूव कर दें। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास नेम को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली एक H1 ले लेंगे हम फिलहाल अभी डेमो के लिए। और इसके अंदर हम लिखते हैं वेलकम टू YouTube और इसको सेव करते हैं और वापस ब्राउजर में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी एप्लीकेशन कंपाइल होंगी और ऑटोमेटिकली हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है मैसेज, यानी कि हमने जो H1 में प्रिंट किया था वेलकम टू YouTube, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, इस फंक्शन को जो कि अभी देखिए यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको हमको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हम स्टेट को मैनेज करेंगे। देखिए न्यू अपडेट के साथ में आप क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट यानी कि हुक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सीरीज में जो है सिंपली क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करूंगा। तो इसी वीडियो को मैं क्या करूंगा, हुक्स के साथ में जो है थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके और एक वीडियो 2-4 मिनट का जो भी होता है वो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में हम जो है सिर्फ क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करने वाले। तो इसको हम सिंपली अभी कन्वर्ट करते हैं क्लास कंपोनेंट में। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, लिखे इंपोर्ट कैपिटल में रिएक्ट फिर फ्रॉम और इसके अंदर आप लिखें रिएक्ट लोअर केस में। तो यहाँ पर जो है रिएक्ट जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा और इस फंक्शन को आप यहाँ से कट कर लें और इससे पहले आप लिखें क्लास और क्लास का नाम रहेगा ऐप। इसके बाद में हमको क्या करना है, एक्सटेंड्स लिखना है, एक्सटेंड्स का कीवर्ड और उसके बाद में रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। तो अब ये क्या हो गया, हमारा एक क्लास कंपोनेंट बन गया। लेकिन अभी हमको देखिए यहाँ पर कुछ रेड डॉट शो कर रहा है, क्योंकि देखिए रिटर्न फंक्शन जो है हम डायरेक्टली क्लास कंपोनेंट में नहीं लिख सकते, हमको इसको लिखना पड़ता है रेंडर फंक्शन के अंदर, क्योंकि रेंडर फंक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन होता है। तो इस रेंडर फंक्शन के अंदर जो है हम इस पूरे रिटर्न फंक्शन को जो है यहाँ से कट करके पेस्ट कर देंगे और अब सेव करेंगे। तो देखिए वापस ब्राउजर पर चलते हैं, देखिए एप्लीकेशन हमारी परफेक्टली काम कर रही है। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा इतना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करेंगे। तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप CDN का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बूटस्ट्रैप को आपके एप्लीकेशन में ही NPM या फिर यार्न पैकेज की मदद से जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको अभी फिलहाल इस वीडियो में CDN का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लोकली हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो आप टर्मिनल में जाएं, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करें
तो यहाँ पर जैसे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, तो इसके अंदर याद रहे आप जो है आपके एप्लीकेशन की डायरेक्टरी के अंदर जाएं। मेरे पास जो है बैश शेल है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा होगा विंडोज में। अगर आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास सादा जो पावर शेल आता है वो दिखाई देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपकी डायरेक्टरी देखिए, सेम डायरेक्टरी है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसमें पहले जो है उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाए। तो यहाँ पर मेरे पास सेम है। अब आपको क्या करना है, यार्न लिखना है, फिर उसके बाद में ऐड लिखना है, फिर बूटस्ट्रैप। हाँ, अगर आप npm इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लिखे npm i फिर bootstrap, क्योंकि npm स्लो है थोड़ा, इसलिए मैं यार्न का इस्तेमाल करूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि जो स्टेबल लेटेस्ट वर्जन है, वो आपके एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोडर इंस्टॉल कर देगा। तो देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, तो इसमें टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो मेरा लिटिल बिट स्लो है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप जो है डाउनलोड हो चुका है लोकली हमारे एप्लीकेशन के अंदर। मगर फिर भी इन केस अगर आप जो है CDN का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप जो है गूगल पर जाएं और वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर W3 स्कूल का देखिए बहुत अच्छा लिंक मिल जाता है। तो यहाँ पे आप टाइप करें W3 स्कूल और यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 CDN आप ऐसा सर्च कर ले, तो बहुत अच्छी लिंक है। आपको तीनों भी jQuery, Popper.js और बूटस्ट्रैप की लिंक वहां पर इजीली मिल जाती है, तो उसको आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करें, फर्स्ट लिंक ही नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पर आप जाए, जैसे ये ओपन होता है, यहाँ पर आप क्या करें, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको जो है CDN की लिंक मिल जाएंगी। देखिए बूटस्ट्रैप 4 CDN, इसके अंदर आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। अब इस लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जो है index.html की फाइल है ना, तो यहाँ पर आपको जो है पेस्ट करना है, याद रहे इस टाइटल के ऊपर। तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, तो इसे पेस्ट करके आप यहाँ पर इंक्लूड कर दें तो ये काम करेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया है, इसको लोकली हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया है। तो चलिए वापस से चलते हैं हमारी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए कुछ असर यहाँ पर दिखा या नहीं। तो देखिए अभी आपको कुछ भी इसमें फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, हमारी index.js या फिर app.js की फाइल में जो है बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं index.js की फाइल में इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो सिंपली आप यहां पर आए और नीचे लिखे इम्पोर्ट, और इस सिंगल कोट्स के अंदर आप क्या करें, सबसे पहले लिखें बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के बाद में स्लैश, फिर डिस्ट, डिस्ट के अंदर जो है आपके पास जो है CSS की फाइल रहेगी, और इस CSS के बाद में आपके पास रहेगा आपका मेन bootstrap.min.css की फाइल। तो ये आपको लास्ट का जो है टाइप करना पड़ेगा और इसको आप क्या करें सेव कर लें। सेव करने के बाद आप वापस जाएं ब्राउजर पर, तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है, यानी कि हमारे पास लोकली बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंक्लूड हो चुका है। तो आप चाहे तो CDN का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम का भी इस्तेमाल करेंगे। तो फॉन्ट ऑसम के लिए भी आप क्या करें, सबसे बेस्ट है cdnjs.com पर विजिट करें आप, वहां पर जो है फॉन्ट ऑसम की इजी लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मैं भी क्या करता हूँ उसको कॉपी करता हूँ, हम क्या करेंगे हमारी टेम्पलेट फाइल में index.html की फाइल में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप लिखें फॉन्ट ऑसम, और यहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। फॉन्ट ऑसम पर क्लिक करें आप, और यहाँ पर देखिए all.min.css की जो फाइल है आप इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी लिंक टैग, और वापस आए और index.html में आप क्या करें, यहाँ पर देखिए इस फेविकॉन जो है ये आइकन है, इससे पहले आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो कंट्रोल वी सिंपल, क्योंकि हमने कॉपी कर ही रखा था। तो यहाँ पर देखिए अब जो है हमारे पास फॉन्ट ऑसम भी यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। इस फाइल को भी आप सेव कर ले, क्योंकि हमको फॉन्ट ऑसम के आइकन की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने यहाँ पर एप्लीकेशन में देखा, देखिए यूट्यूब का जो लोगो है ना, ये हमने फॉन्ट ऑसम की मदद से लिया है, तो ये इसलिए हमको यहाँ पर फॉन्ट ऑसम की भी जरूरत पड़ेगी। सो आई होप आपको समझ में आगा कैसे बूटस्ट्रैप आपने इंक्लूड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन का लेआउट क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन का लेआउट क्रिएट करने से पहले हमको यहाँ पर इस डेमो एप्लीकेशन में एक बार देखना होगा कि हमने कैसे इस्तेमाल किया है। तो अगर आप ग्रिड सिस्टम से फेमिलियर हैं तो आप इजीली इस एप्लीकेशन को खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिंपली मेरे स्टेप को आप फॉलो करें।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, पूरा एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर दो कॉलम है, एक इनपुट के लिए और एक राइट हैंड साइड पर लिस्ट के लिए। और इसी के अंदर हमारे पास जो है वीडियो प्लेयर और यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम है, सॉरी कॉलम नहीं, डिस्क्रिप्शन की एक रो है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं। सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर मैं इस टर्मिनल को किल कर देता हूँ ताकि हमको पूरा विंडो मिले, और index.html का हमारा काम खत्म हो चुका है, तो इसको सिंपली क्लोज कर दें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टाइटल को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं YouTube क्लोन, जो कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है, और सेव कर देते हैं। यहाँ पर हो गया, index.js की फाइल का भी हमारा अभी कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि हम जो भी है हमारी फाइल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम इस app.js के अंदर करेंगे, क्योंकि ये रूट कॉम्पोनेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, इस src के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉम्पोनेंट्स के नाम से, क्योंकि हम सारे कॉम्पोनेंट्स जो है एक फोल्डर के अंदर मैनेज करेंगे, जो कि अच्छी प्रैक्टिस है। तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं एक एक कॉम्पोनेंट के लिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत छोटी है। तो सिंपली हम एक फोल्डर कॉम्पोनेंट्स के नाम से क्रिएट कर रहे हैं और इसी के अंदर हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स के फाइल हम रखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं डमी सा। तो कॉम्पोनेंट्स के फोल्डर को अभी रहने देते हैं और इस app.js के अंदर हम क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन करना बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसको पूरी तरीके से कट कर देता हूँ मैं, और रिएक्ट का फ्रेगमेंट इस्तेमाल करूंगा, यानी कि फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। रिएक्ट फ्रेगमेंट आपको पता है, हम डायरेक्टली जो है मल्टीपल डिप्स यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम रिएक्ट फ्रेगमेंट लिखते या फिर उसका सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज करें तो हम कितने भी डिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एम्प्टी क्लोजिंग और ओपनिंग टैग जो है ये होता है रिएक्ट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यानी कि रिएक्ट फ्रेगमेंट का, तो इसके अंदर हम कितने भी डिप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिप ले लेते हैं सबसे पहले डिप, और इसके अंदर जो है हम क्लास लेंगे। तो डायरेक्टली क्लास नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर क्लास नेम। अब आप जो है बूटस्ट्रैप की क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर की क्लास का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको मार्जिन चाहिए लेफ्ट एंड राइट साइड से। तो यहाँ पर हम कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ, और इस डिव को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्लास ऐड कर देंगे, क्लास नेम, क्लास नेम क्या की रो की, क्योंकि ग्रिड सिस्टम आपको पता होगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सिंपली एक रो यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब रो के अंदर 12 कॉलम तक के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली हम सबसे पहले जो हमारा, आप अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे तो यहाँ पर ये फुल विथ है, यानी कि इसने पूरा 12 कॉलम यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले एक H1 ले लेते हैं यहाँ पर H1, और इस H1 के अंदर हम क्या करेंगे, वीडियो सर्च इंजन का टेक्स्ट लिख देंगे, और इसको सेव कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, और चेक करता हूँ ब्राउजर में ये कैसा नजर आ रहा है। चलते हैं हमारे एप्लीकेशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हो गया, अभी भी ये सेंटर में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ क्लासेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के बाद में हमको क्या करना है, एक आइकन भी यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डेमो एप्लीकेशन में हमारे पास ये है यूट्यूब का आइकन। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली आप क्या करें, fontawesome.com पर जाए और वहां पर जो है आइकन के सेक्शन में सर्च करें यूट्यूब, और यहाँ से जो है आपको लिंक मिल जाएंगी। सिंपली इस लिंक को कॉपी करें और आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है इसको पेस्ट कर लें। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारे एप्लीकेशन में नजर आ रही है नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रहा है, परफेक्टली ये काम कर रहा है। थोड़ा स्पेसिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, NBSP का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए। तो एंड लिखें NBSP और कॉमा और कोलन, और इसको सेव कर लें। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमको नजर आ जाएगा। डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करना है, तो अभी हम कंपोनेंट्स नहीं क्रिएट करेंगे, सिंपली उसका डमी यहाँ पर जो है लेबल या फिर टैग्स हम ऐड कर देंगे इस डिव के बाद में। यानी कि एक रो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करेंगे। तो डिव, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और रो ऐड करेंगे, यानी कि क्लास नेम यहाँ पर आप लिखें,
और इसको दे दें आप रो की क्लास। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक और div क्रिएट करेंगे और इसके अंदर एक क्लास नेम यहाँ पर ऐड करेंगे हम, कॉल md। और यहाँ पर जो है हम इसको 8 कॉलम दे देते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये दो चीजें हैं, यहाँ पर एक ही रो के अंदर हम जो है यहाँ पर डिफरेंट जो है कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि दो कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एक सर्च बार और ये वीडियो का जो है सेक्शन, इसके लिए हमने कॉलम जो है इसका रखा है MD8 और इसके लिए हमने 4 रखा है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कॉल MD8। और इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, कुछ डमी सा टेक्स्ट ऐड कर देंगे, H1 ही लिख देते हैं हम, सर्च बार रहेगा। और साथ ही में इसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास, एक और H1 ले लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी, लेकिन अभी हम सिर्फ डमी सा ऐड कर रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। और इसके बाद में एक और हम क्या करेंगे, इस डिव के बाद में हमारे पास कितने 4 कॉलम की जगह बच रही है ना, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक और डिव लेंगे और यहाँ पर क्लास नेम यहाँ पर ऐड कर देंगे हम, और यहाँ पर इसको दे देंगे कॉल MD4 की। और इसके अंदर हमारे पास क्या आने वाली है, लिस्ट आने वाली है ना, तो इसको लिख देते हैं हम वीडियो लिस्ट और इसको हम कर देते हैं सेव। वापस ब्राउजर पर चलते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन। तो देखिए परफेक्टली अभी काम कर रही है। तो मैंने H1 लिया है ताकि ये बड़ा बड़ा आपको नजर आए। तो देखिए सिमिलरली अभी लेआउट उसी तरीके से है, ये सिर्फ टेक्स्ट होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन हम नियरली हमने उसका एप्लीकेशन का स्केलेटन यहाँ पर मैच कर लिया है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को भी जो है यहाँ पर कुछ क्लासेस और ऐड कर देता हूँ, ताकि हम सेम एज इट इज इसको यहाँ पर वीडियो सर्च इंजन की तरह जो रेड और व्हाइट टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है उस तरीके का नजर आए। तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको जो है एक और क्लास दे दें YT के नाम से, या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर समझाने के लिए YT की क्लास ऐड की है। कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, आपको इस रो के अंदर, पहली जो रो है ना इसके अंदर कोई भी कस्टम क्लास यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं YT लिख रहा हूँ और app.css के अंदर आना है और इसको टारगेट करना है। तो YT लिखा मैंने और इसके अंदर जो है हम कुछ कस्टम स्टाइलिंग यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते, बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर इसका सेट कर देंगे रेड, और इसके अंदर का जो कलर रहेगा वो रहेगा वाइट, और थोड़ी सी पैडिंग भी हम इसके अंदर जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 पिक्सल की हम यहाँ पर पैडिंग डिफाइन कर देंगे। इसको भी सेव कर लें और इस app.js को भी सेव कर लें और चले ब्राउजर में। तो देखिए परफेक्टली हमारे पास सेम मैच हो रहा है। तो इतना हमने अचीव कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार कंपोनेंट क्रिएट करना है। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस सर्च बार जो है ज्यादा चिपक के आ रहा है ना, तो इस रो को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, अभी से मार्जिन दे देंगे तो हमको, या फिर पैडिंग दे देंगे तो हमको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस रो को क्या करें, मार्जिन वाई एक्सिस से 2 का दे दें, सेव कर लें। देखिए परफेक्ट, थोड़ा सा गैप हमको नजर आ गया, इतना काफी है। तो यहाँ पर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में देखिए कंपोनेंट्स का जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और एक न्यू फाइल आप यहाँ पर क्रिएट करें। तो आपको सबसे पहले जो कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे उसका जो पहला लेटर है उसको हमेशा कैपिटल रखना है आपको। तो यहाँ पे हमने लिखा सर्च बार, कैमल केस में हम यहाँ पर लिख रहे हैं सर्च बार .jsx। अब jsx या फिर js आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। JSX लिखेंगे तो IntelliSense यानी कि जो ऑटो करेक्ट का हमको आता है ना ऑप्शन, तो वो अच्छे से आता है। तो आप सिंपली JS भी लिखे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर JSX का इस्तेमाल करूंगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसमें डिसाइड करना है कि आपको स्टेट रखनी है या नहीं। जैसा कि आप अगर इस एप्लीकेशन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इन तमाम कॉम्पोनेंट्स में हमारे पास सबसे मेन कॉम्पोनेंट जो है वो है ये सर्च बार का कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ भी सर्च कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कोई भी सर्च टर्म है जो कि स्टोर हो रहा है और यहीं से रिक्वेस्ट जा रही है, यानी कि स्टोर भी हो रहा है और इसमें जो है रिस्पांस रिटर्न भी हो रहा है। तो हमारी पूरी एप्लीकेशन में जो है सर्च बार का कॉम्पोनेंट जो है वो हमारी एप्लीकेशन का मेन कॉम्पोनेंट है, और ये app.js जो होता है वो रूट कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लास कॉम्पोनेंट बनाएंगे।
तो आप यहाँ पर जो है इसको क्लास कॉम्पोनेंट बनाए, यहाँ पर आप करें इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसके बाद में आप क्या करें लिखे क्लास, और इस क्लास का नाम जैसे कि हमारे पास है सर्च बार, और इसके बाद में आपको लिखना है एक्सटेंड्स का कीवर्ड, और इसके बाद में आपको रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट लिखना है, चिल्ड्रन नहीं कॉम्पोनेंट सॉरी, यहाँ पर रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, और इसके बाद में आपको इन द एंड क्या करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है ताकि हम इसको किधर भी इम्पोर्ट कर पाए। सेम आपको कॉम्पोनेंट का नाम लिखना है, हमारे केस में सर्च बार, और जैसा कि आप जानते हैं क्लास कॉम्पोनेंट के अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है जो कि होता है रेंडर मेथड, जिसके अंदर जो है हम JSX को लिख सकते हैं, किसके अंदर रिटर्न के अंदर, तो इस रिटर्न के अंदर जो है हम कुछ भी JSX को रिटर्न करा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक H1 लिख लेता हूँ और इसका नाम लिखते हैं सर्च बार कंपोनेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कंपोनेंट, तो इतना लिखकर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास ऑटो सेव पर प्रीटियर ऑन है, इसलिए जब भी मैं सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटेलिसेंस यानी कि आईडी का इंटेलिसेंस जो है ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मेट कर देता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कभी कभार मेरा कोड जो है आगे पीछे हो जाए तो उसमें आपको लगेगा कि ये वीडियो मैंने कट करके वापस से शुरू किए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने इतना इम्पोर्ट कर लिया, इसको सेव करें और app.js की फाइल में इसको इम्पोर्ट करें। तो यहाँ पे आप लिखें इम्पोर्ट और इसके बाद में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं सेम नाम रखूंगा सर्च बार, और ये कहाँ पर है तो इसका डायरेक्टरी हमको देना है ./ और कॉम्पोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास है सर्च बार का कॉम्पोनेंट, तो एक्सटेंशन की आपको जरूरत नहीं है। तो इस सर्च बार को आप कॉपी कर लें। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है डमी यहाँ पर H1 के अंदर इंपोर्ट किया था ना, तो अब क्या करें आप इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा ऐसे इस्तेमाल करें। अब इसको सेव करें और ब्राउजर पर चले हमारी एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है सर्च बार कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, कॉम्पोनेंट क्रिएट किया सर्च बार और उसको app.js जो कि हमारी रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर जो है यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया, और इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर स्टेट भी मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो UI क्रिएट करेंगे, तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करें रिएक्ट का जो है फ्रेगमेंट इस्तेमाल करें यानी कि उसका सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म आप इसमें इस्तेमाल करें, और इसके बाद में आप क्या करें सिंपली एक फॉर्म का एलिमेंट ले लें यहाँ से जिसका एक्शन कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई भी बैकएंड नहीं है अभी, और इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे फॉर्म ग्रुप क्रिएट करेंगे यानी कि एक इनपुट बॉक्स हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले। तो देखिए इनपुट बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक डिव ले लेंगे, आई होप आपको बूटस्ट्रैप आता होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको क्लास नेम ऐड कर देंगे और इसको दे देंगे फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप लिया क्योंकि इसमें हमारे पास अभी लेबल नहीं है ना, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं इनपुट बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि इनपुट टैग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब इनपुट के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसका टाइप होता है सबसे पहले कि ये किस टाइप का है, तो हमारे पास क्या है सिंपली आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं लेकिन HTML5 में हमारे पास एक और ऑप्शन है सर्च का, तो मैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। और इसके बाद में आप इसके अंदर जो है क्लास नेम भी ऐड कर सकते हैं, आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल ताकि ये बूटस्ट्रैप का इनपुट बॉक्स बन जाए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है एक प्लेस होल्डर भी यहाँ पर ऐड करना है जिसके अंदर हम जो है डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे जैसे कि सर्च एनीथिंग हियर, ऐसा हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट कर दिया है। और क्या कर सकते हैं हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कर देते हैं और इसको सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर पर चलते हैं तो देखिए हमारे पास परफेक्टली यहाँ पर जो है एक इनपुट बॉक्स आ चुका है क्योंकि हमने लेआउट सेट किया था, तो हमारा सेम एग्जैक्ट एप्लीकेशन की तरह लेआउट यहाँ पर आ रहा है परफेक्टली, ये बराबर काम कर रहा है। और अभी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर जो है स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेंडर के ऊपर जो है आपको क्या करना है स्टेट को डिफाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली स्टेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्टर की जरूरत अभी हमें है नहीं, हम डायरेक्टली स्टेट को मैनेज कर सकते हैं तो डायरेक्टली लिखेंगे। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे
एक यहाँ पर जो है वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल कह सकते हैं आप, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ ना कुछ सर्च हो रहा है। अब ये सर्च को हमको स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यानी कि एक जेसन की वैल्यू पेयर में हम सेव करेंगे। तो इसका नाम मैं रखता हूँ टर्म, और इनिशियली इसको अभी हम एम्प्टी रखेंगे, और इस टर्म को हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे हमारे इनपुट के साथ। तो कैसे बाइंड करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो है इनपुट में बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के मेथड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू पे हम क्या कर सकते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट टर्म, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएंगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इधर आएंगे हम, तो देखिए यहाँ पर जो इसकी वैल्यू अभी एम्प्टी है ना, हमने कुछ सेट नहीं की। तो इस टर्म के अंदर अगर हम कुछ लिख दे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक इन्फो वाई टी, और इसको सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर टेक इन्फो वाई टी आ गया। लेकिन अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमको एडिट के लिए सबसे पहले इसको एक्सेस देना पड़ेगा, किसका, इसके अंदर के इवेंट का। तो इवेंट हमको यहाँ पर फायर करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, कस्टम इवेंट्स क्रिएट करने हैं ताकि हम हैंडल कर पाए, वैल्यू चेंज हो रही है तो हमको हैंडल करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं हम, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसके बिल्ट इन मेथड यानी कि इनपुट के अंदर एक और होता है मेथड ऑन चेंज, तो इस ऑन चेंज पर आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट और आपके फंक्शन का नाम, तो मेरे पास तो अभी फंक्शन मैंने क्रिएट नहीं किया, तो सिंपली मैं अभी यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑन इनपुट चेंज। तो ये फंक्शन अभी हम क्रिएट करेंगे, पैरेंथेसिस आप ना लिखें वरना ये जगह पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस फंक्शन को हमको क्या करना है, यहाँ पर इस स्टेट के नीचे क्रिएट करना है, तो ऑन इनपुट चेंज, तो ये एक फंक्शन है। तो इसको आप एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं या फिर सिंपल भी फंक्शन लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या करता है, देखिए इसके अंदर जो हमको मिलता है इवेंट मिलता है, इवेंट जो है रिटर्न करता है, और इस इवेंट को हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। कैसे, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट ऑफ जो हमारे पास टर्म का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, इस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि हमारे पास इनपुट से जो भी वैल्यू आ रही है वो हम क्या करेंगे, इस टर्म के अंदर असाइन कर देंगे। तो इसको वापस से मैं एम्प्टी कर देता हूँ, टेक इन्फो वाई टी, या फिर रहने देता हूँ, बाद में इसको कट कर दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं, सेव करने के बाद वापस से पेज को रिफ्रेश करते हैं, हो गया। अब देखिए इसके अंदर हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, परफेक्ट। लेकिन अभी क्या है, ये एक फॉर्म है, तो एक्सीडेंटली हमारे पास क्या हो सकता है, इंटर प्रेस हो सकता है और हमारा पेज देखिए ऐसा रिलोड हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, प्रिवेंट डिफॉल्ट का एक मेथड है। तो कैसे हम उसको, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रिवेंट डिफॉल्ट का मेथड है जिससे ये एक्सीडेंटल जो सबमिट हो जाता है ना फॉर्म वो रुक जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को जो है एक फंक्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पर, इसके ऑन फॉर्म सॉरी ऑन सबमिट मेथड पर। तो ये डिफॉल्ट मेथड होते हैं, और इसको लिखे आप दिस डॉट और यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ मैं ऑन फॉर्म सबमिट, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देखिए ऑन इनपुट चेंज के नीचे यहाँ पर हम ऑन फॉर्म सबमिट, अब ये भी क्या करेगा, इवेंट को रिटर्न करेगा, तो आप लिखे इवेंट यानी के पैरामीटर इसके अंदर इवेंट पास करें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिख सकते इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का फंक्शन यहाँ पर हम चला देंगे। तब जो एक्सीडेंटली जो हमारे पास हो जाता है ना इंटरप्रेस और हमारा एप्लीकेशन जो है रिलोड होता है तो वो नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉल बैक रिसीव करना है हमको, कॉल बैक कहाँ से, देखिए अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन है, अब यहाँ पर हम कुछ ना कुछ सर्च करेंगे, अब इसका रिस्पॉन्स भी रिटर्न आएगा ना कहीं से, तो वो रिटर्न भी हमको सेव करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म सबमिट में ही हम क्या करते हैं कॉल बैक फ्रॉम पेरेंट यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बाद में इसको चेंज करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है YouTube API एक बार देख लेंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आप क्या करें, ब्राउजर पर जाएं,
और यहाँ पर जो है आप गूगल पर जाएं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ google.com, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। और यूट्यूब एपीआई को एक्सेस करने के लिए आपको जो है गूगल पर लॉगिन होना जरूरी है, यानी कि आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मेरे अकाउंट से लॉगिन है। तो इसके लिए वेबसाइट है, देखिए आपको लिखना है console.google developer। इतना भी आप अगर सर्च करेंगे ना, तो फर्स्ट पर ही आपको वो लिंक मिल जाएंगे। देखिए गूगल डेवलपर्स कंसोल, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है इसका जो है एपीआई का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको शायद कुछ इंटरफेस अलग नजर आ सकता है। इंटरफेस अलग से मतलब ये है कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस नजर ना आए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी एप्लीकेशन शायद बनी हुई ना हो। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 है, तो इसलिए मुझे इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस नजर आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस ड्रॉप एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है ये एरो, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। तो सिंपली आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो, या फिर मैं लिख देता हूँ वीडियो एपीआई, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन है तो दे सकते हैं, या फिर इसको एज इट इज आप रहने दें। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करें, क्रिएट पर क्लिक करें, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसे जो देखिए यहाँ पर जो स्पिन हो रहा है ना, इसको कंप्लीट होने दें। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये ग्रीन हो जाए तो मतलब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आप क्या करें, वापस इस एरो पर क्लिक करें, और देखिए आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ना, वीडियो एपीआई आपने क्रिएट किया था, तो उस पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर जो है एपीआई को एनेबल करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं एनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गूगल की जितनी भी एपीआई लाइब्रेरीज अवेलेबल है, तो उतने सारे की यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो जैसा कि आप नीचे एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारी है इसकी, तो हमको इतने सब तो नहीं चाहिए ना, हमको सिंपली क्या चाहिए, YouTube। तो सिंपली यहाँ पे आप सर्च करें YouTube, और यहाँ पर देखिए YouTube सर्च करेंगे तो यहाँ पर 3-4 है, इसमें से हमको क्या करना है, डेटा एक्सेस करना है ना। तो देखिए यहाँ पर YouTube डेटा API वर्जन 3, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एनेबल करना है। जैसे आप एनेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब इस डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए क्रिएट क्रेडेंशियल यहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें क्रिएट क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर आपको विच एपीआई आर यू यूजिंग उसको सेलेक्ट करना है, यानी कि हमको यहाँ पर यूट्यूब डेटा एपीआई को एक्सेस करना है। अब ये क्या पूछ रहा है, वेर यू बी कॉलिंग द एपीआई फ्रॉम, तो हम कहाँ से इसको यूज करेंगे। तो सिंपली हमारे पास एक वेब ब्राउजर है जो कि जावास्क्रिप्ट है हमारा रिएक्ट, वहां से हम इसको एक्सेस करेंगे। और इसमें हम पब्लिक डेटा यूज कर रहे हैं या फिर यूजर का डेटा, तो यहाँ पर हम जो पब्लिक डेटा को यूज करेंगे, क्योंकि यूजर के लिए हमको फिर उसकी परमिशंस लगेंगी क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक करें व्हाट क्रेडेंशियल डू आई नीड, और यहाँ पर देखिए आपको एपीआई की मिल जाएंगी। सिंपली इसको कॉपी करें, और आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू फोल्डर यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप क्रिएट करें, इस SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर आप क्रिएट करें, और इस फोल्डर का नाम लिखे आप API भी कर सकते हैं, और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करें YouTube API.js। तो ये जैसे फाइल क्रिएट हो जाएंगी, इसके अंदर आप कैपिटल में लिखे वेरिएबल कॉन्स्ट की, और इस की के अंदर आप क्या करें, इसको पेस्ट कर दे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे और सेव कर ले फिलहाल के लिए। सेव करने के बाद देखिए आप सेम मेरी की इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट की होता है, आप जैसी क्रिएट करेंगे आपके लिए स्पेशल अलग से एक जनरेट होती है। और इसके बाद में आप यहाँ पर डन पर क्लिक करें, जैसे ही डन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी की मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपने वहां से कॉपी नहीं किया तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये API हमारी क्रिएट हो चुकी है, और आपने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया है APIs के नाम से, और उसके अंदर YouTube API.js के अंदर हमने एक की नाम के अंदर, यानी कि की नाम के वेरिएबल के अंदर इसको जो है सेव कर लिया। अब ये सेव होने के बाद हमको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। देखिए एक्सेस कैसे करेंगे, मसला तो यही है, सिंपली आप क्या करें, एक न्यू टैब ओपन करें,
और वापस से गूगल ओपन कर लें, क्योंकि इसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप न्यू हैं डेवलपमेंट फील्ड में तो। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कोई थर्ड पार्टी एपीआई होती है ना, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन ही हेल्प करता है हमको उसको एक्सेस करने के लिए। और क्योंकि गूगल एक बड़ी कंपनी है तो इजीली आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई अदर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कोई अदर एपीआई यूज करते हैं आप, तो उसका शायद डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर ना मिले। तो आपको देखिए कभी भी अगर आप थर्ड पार्टी एपीआई यूज करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट आप अच्छे से जरूर पढ़े। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली सर्च करना है यूट्यूब एपीआई, सॉरी क्लिक नहीं किया क्या, ओके यूट्यूब एपीआई सर्च। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा सर्च लिस्ट, इस पर क्लिक करें और यहां पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो इसमें से आपको आपकी पसंद की क्यूरी यहां पर सेलेक्ट करना है, यही इंपॉर्टेंट टास्क है। यहां पर आपको राइट हैंड साइड पर मिल जाएगा चैनल आईडी, पार्ट, चैनल टाइप, इवेंट टाइप। अब ये क्या है, ये कीज है। अब आपको जो पसंद है इसमें से आप कॉपी कर सकते हैं। मैं सिंपली जो मेन है वही बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको आपके हिसाब से एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आपको खुद से इसमें से जो है आपके चॉइस का यानी कि आपको जो रिक्वायरमेंट है उतनी चीजों को यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे केस में क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, सिंपली एक वीडियो प्लेयर है जिसमें हम क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, एक वीडियो, वीडियो के बाद में इसके अंदर राइट हैंड साइड पर लिस्ट और उसका देखिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो इतने चार पांच चीजें हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें से हमको सर्च करना है कि हमको क्या क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको स्क्रोल करेंगे, देखिए मैक्स रिजल्ट ये स्ट्रिंग के अंदर हमको ऐड करना पड़ता है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैक्स रिजल्ट यानी कि क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास मैक्स कितने, 2, 4, 6, 8, तो 8 रिजल्ट हम यहाँ पे शो करा रहे हैं। तो ये इस स्ट्रिंग की वजह से हम जो है एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास होता है देखिए यहाँ पर क्यू, क्यू यानी कि क्यूरी, यहाँ पर आपको सर्च टर्म के अंदर जो भी हम डालते हैं ना यहाँ पर जो इंटर कर रहे हैं, तो ये हमारी क्यूरी है और ये रिजल्ट है। और इसके बाद में क्या है, कुछ और हम इसमें से ले सकते हैं क्या, फिलहाल के लिए इतना काफी है और जितनी चीजें लगती है मैं आपको बता दूंगा। आप क्या करें एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़े और आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर जो है छेड़छाड़ कर सकते हैं। छेड़छाड़ मतलब क्या है कि आपको जो चीजें चाहिए आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीजें जरूरी है मैं वो आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो सबसे पहले हमको क्या लगता है, देखिए ये बहुत जरूरी है, आपका मेथड जो है गेट होना चाहिए और यहाँ पर जो है देखिए गूगल एपीआई / यूट्यूब V3 सर्च, ये आपकी क्यूरी स्ट्रिंग होनी ही चाहिए। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली बस इसमें बताना यही है आपको कि अगर कोई भी एपीआई आप यूज करते हैं तो आपको खुद से सर्च करना पड़ता है कि आपको क्या चीजें उस एपीआई से चाहिए। हमारे केस में तो हमको, मैंने आपको बता दिया कि हमको क्या चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, वीडियो चाहिए, टाइटल और उसके अंदर का हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप इस लिस्ट को जो है एक्सप्लोर करें और चेंज और चेक करें कि आप कैसे और इसको इनहेंस कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली मैं आपको क्या करता हूँ बताता हूँ कि कैसे हम जो है सर्च कर सकते हैं। तो वापस चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, एक्सजीओएस का मॉड्यूल जो है आप डाउनलोड करें, क्योंकि रिएक्ट में क्या है हम डायरेक्टली सर्विसेज से डील नहीं कर सकते, हमको इसके लिए थर्ड पार्टी मॉड्यूल पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल हमारे पास क्या है, एक्सजीओएस। तो वापस से टर्मिनल पर जाएं आप और या फिर npm की मदद से जो है आप एक्सजीओएस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली लिखें आप yarn@exeos और npm का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिंपली लिखें npm i exeos। तो मैं yarn का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखा मैंने yarn@exeos और इंटर प्रेस कर दूंगा। मेक श्योर आप उसी डायरेक्टरी के अंदर हो, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि ज्यादा बड़ी फाइल है नहीं। और अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस youtube api.js के अंदर जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसके डाउनलोड होने का मैं वेट करता हूँ या फिर आपको समझा देता हूँ कि हम क्या क्या एक्सेस करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, YouTube API है
कहाँ पर देखिए, यहाँ पर की है आ चुकी है हमारे पास, यानी कि अब हम इजीली जो है यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या है, क्यूरी है। क्यूरी के अंदर जो है हम जो भी टर्म सर्च करेंगे उसको वहां पर इससे कॉन्कैट कर देंगे। लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखता हूँ यहाँ पर जो है डाउनलोड अभी हो रहा है। सिंपली इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि जो है हमारा टाइम बचे। यहाँ पर आप इम्पोर्ट करें, सबसे पहले इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए ये की को एज इट इज रहने दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पर आप लिखें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एक्सियोस डॉट, और इसके बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट का मेथड इस्तेमाल करना है। सॉरी क्रिएट है, एक्सियोस डॉट क्रिएट। क्रिएट के अंदर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डिफॉल्ट यूआरएल दे देंगे। तो आप लिखे यहाँ पे बेस यूआरएल, यूआरएल आप कैपिटल में लिखे, स्पेलिंग का खास ध्यान रखें। अब यूआरएल कौन सा लिखेंगे हम, तो देखिए आपको क्या करना है, वापस से उस पर जाना है यूट्यूब सर्च पर जो हमने गूगल किया था, और यहाँ से देखिए आप जो है ये वाला यूआरएल देखिए गेट का जो है ना, इसको कॉपी कर लीजिए। कहाँ तक कॉपी करना है आपको, V3 तक के कॉपी करना है। इसको कॉपी किया और ब्राउजर में चलते हैं और बेस यूआरएल में इसको सेट कर देते हैं। यहाँ तक किया, अब इसके बाद में क्या है, हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं, तो पैरामीटर के थ्रू जो है एक्सेस करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें, और पेरेंट्स के अंदर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपको कहा कि आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है पार्ट, देखिए यहाँ पर दिखा आपको। अब पार्ट के अंदर क्या है, देखिए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट हमको यहाँ पर शो होती है, दिख रहा है आपको। तो ये ऐसा आपको पढ़ना है और देखना है कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमको पार्ट जरूरी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट, और पार्ट के अंदर जो है हम इसको स्निपेट रखेंगे, स्निपेट, ओके। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, मैक्स रिजल्ट है। अगर आप नोटिस किया होगा मैक्स रिजल्ट हमको कितने चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, सिंपल, ज्यादा नहीं चाहिए, उसमें 8 थे ना, अभी फिलहाल 5 भी कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको की भी यहाँ पर मेंशन करना है, की कौन सी की, देखिए यहाँ पर जो हमने यूट्यूब की लिखी थी ना, तो इसको हम इसमें स्टोर कर देंगे। ये स्टोर हो चुका है, अब इसको क्या करें आप, सेव कर लें। ये सेव हो चुका है, तो यहाँ तक कि हमने क्रिएट कर लिया। अब टाइम है कि हम इसको एक्सेस करें, तो हम एक्सेस सबसे पहले किस में करेंगे, हमारे रूट कंपोनेंट में। देखिए मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि हमने इसको क्लास कंपोनेंट बनाया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेट को मैनेज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए। जैसा कि आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सर्च बार के अंदर जो है कुछ टर्म है जो कि हम सर्च कर रहे हैं, और हमको रिस्पॉन्स चाहिए APIs की मदद से। तो APIs की मदद से हमने जो है, देखिए यहाँ पर APIs के लिए YouTube API.js का जो है डायरेक्टली हमने एक फाइल क्रिएट किया है, जिसमें हम जो है हैंडल कर रहे हैं YouTube APIs को। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसमें इम्पोर्ट करेंगे हमारे app.js के अंदर। तो यहाँ पे इम्पोर्ट करें आप, इम्पोर्ट लिखें, इम्पोर्ट के बाद में आप लिखें यहाँ पर YouTube, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं, मगर रिलेवेंट नाम रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। YouTube from .slash या फिर .slash, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास APIs का फोल्डर है, और इसके अंदर हमारे पास है YouTube API, एक्सटेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऑन टर्न सब में, पैरामीटर हम इसमें पास कराएंगे, जैसे कि ये एक्सपेक्ट करता है टर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास देखिए सर्च बार के अंदर जो टर्म है ना स्टेट में, ये यहाँ पर हम इसको असाइन करेंगे टर्म, और इसके बाद में आप क्या करें, एरो फंक्शन इस्तेमाल करें, और इसके बाद में आप क्या करें, YouTube की API को एक्सेस करें, YouTube डॉट, उसके बाद में आपको लिखना है गेट। सबसे पहले हमारे पास होता है URL पैटर्न, इसके अंदर हमको क्या करना है, सर्च लिखना है। सर्च क्यों, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंटेशन आपको फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको और अच्छे से इसकी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में सर्च है, देखिए कहाँ पर, देखिए यूआरएल में हमारे पास है ना सर्च, तो हमने क्या किया V3 तक के यूज किया था। अब सर्च हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, हमारे app.js के अंदर से यूज कर रहे हैं। अब सर्च के बाद में हम क्या करेंगे, इसके
अंदर जो है कुछ और पैरामीटर्स हम इसमें पास कराएंगे, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे params, params के अंदर जो है हम जो है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कराएंगे। तो params के अंदर हमको क्या पास कराना है, q को पास कराना है। q मतलब क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर है ये q, हमने यहीं पर देखा था ना, देखिए यहाँ पर q, q अगर आप यहाँ पर नीचे और स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका मतलब मिल जाएगा। देखिए q स्ट्रिंग है ये पैरामीटर, क्यूरी टर्म टू सर्च फॉर, यानी कि हमको कुछ भी सर्च करना है तो हमको q के बाद लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, q को जो है सेट कर देंगे किससे, टर्म से। तो q के अंदर जो है हम टर्म को सेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी सर्च टर्म रहेगा वो हम q की मदद से जो है YouTube API से फेच करा के लाएंगे। तो ये हो गया। अब क्या करना है हमको, इस ऑन टर्म सबमिट को जो है पास कराना है सर्च बार JSX कंपोनेंट को। तो कैसे करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है और इस सर्च बार के अंदर जो है आपको प्रॉप सेट करना है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आप सेट करेंगे तो आप जो है इस सर्च बार कंपोनेंट के अंदर जो है इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे ऑन फॉर्म सबमिट, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने जो रखा है वही आप इसमें इस्तेमाल करें, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है इस फंक्शन को जो है ऑन टर्म सबमिट को यहाँ पर हम असाइन कर देंगे। लिखिए आप यहाँ पे ऑन टर्म सबमिट, पैरेंथिसिस नहीं लिखना है वरना ये जगह पर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ तक के हो गया हमारे पास, इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च बार कंपोनेंट पे आना है और इसको जो है एक्सेस करना है, किसको, जो हमने यहाँ पर पैरामीटर पास किया ऑन फॉर्म सबमिट को। तो यहाँ पर हम सर्च बार डॉट जेएसएक्स पर आएंगे और यहाँ पर जो है स्टेट के ऊपर, यहाँ पर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ऑन फॉर्म सबमिट, ऑन फॉर्म सबमिट जो है एक्सपेक्ट करेगा एक इवेंट। या फिर हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ऑन फॉर्म सबमिट ऑलरेडी है ना, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था कॉल बैक फ्रॉम पेरेंट, तो यही इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर असाइन कर देंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन फॉर्म सबमिट। ऑन फॉर्म सबमिट के अंदर हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट टर्म को यहाँ पर असाइन कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं। देखिए अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट में आपको ऐसे ही होगा, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ हमने किया क्या है। हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए सबसे पहले YouTube API को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया और यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, YouTube.get, देखिए गेट हमारे पास मेथड होता है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, आई होप आपको पता होगा। उसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले जो है एक URL पास किया। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर YouTube API.js के अंदर पहले से V3 तक की डिफाइन कर लिया, तो हमको क्या है यहाँ पर पूरा URL वापस देने की जरूरत नहीं पड़ी। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली सर्च से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, और पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि सर्च के कीवर्ड के बाद में ये क्यू ऐड होगा। अब क्यू के अंदर ये है टर्म, टर्म हमारे पास कहाँ से आ रहा है, सर्च बॉक्स से। सर्च बॉक्स के अंदर जो भी सर्च होगा तो ये क्या होगा, इस क्यूरी के अंदर जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और ये ऐड होने के बाद क्या करेगा, इस YouTube API को जो है गेट रिक्वेस्ट देगा। अब इसको रिस्पॉन्स के थ्रू हम जो है रिसीव कर सकते हैं, फिलहाल आप इतना समझिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑन टर्म सबमिट का एक मेथड बनाया और इसको यहाँ पर स्टोर कर दिया और यहाँ पर सर्च बार के कॉम्पोनेंट में हमने प्रॉप्स की मदद से जो है यहाँ पर इसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद हमने इसको ऑन फॉर्म सबमिट रखा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सेम नाम आपको वहां पर एक्सेस करना पड़ेगा सर्च बार डॉट जेएसएक्स के कंपोनेंट में। और इसके अंदर हमने क्या किया, इस फंक्शन को जो है असाइन कर दिया दिस डॉट ऑन टर्म सबमिट, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है तो दिस कीवर्ड हमको लिखना ही पड़ता है। और अब हमने सर्च बार कंपोनेंट में क्या किया, यहाँ पर देखिए इस फॉर्म को यानी कि इस प्रॉप को हमने क्या किया, ऑन फॉर्म सबमिट को हमारे फॉर्म सबमिट पर यानी कि इनपुट पर जैसे क्लिक होगा ना तो उस पर जो है यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू को सेट कर दिया।
तो इनिशियल मैं क्या करता हूँ, इसको एम्प्टी कर देता हूँ, अभी हमको इसमें जरूरत नहीं है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं ब्राउजर पे हमको कुछ एरर आ रहा है या नहीं। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन, इसको एक बार रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ मैं। तो कुछ भी हमारे पास अभी एरर नहीं है। सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो है डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा, अगर आप फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे तो, और अगर क्रोम इस्तेमाल कर रहे तो भी सेम है। आप कुछ भी आपके हिसाब से जो है डेवलपर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप फायरफॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो है गूगल क्रोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अब आना है नेटवर्क पर, इस नेटवर्क टैब पर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको क्लिक करना है XHR पर। तो इस पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है कुछ सर्च करेंगे। अगर यहाँ पर हमको कुछ शो होता है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट जो है YouTube API पर जा रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ TechInfoYT और इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारी गेट रिक्वेस्ट कॉल हो गई, ठीक है। मगर साथ ही में हमको क्या है, नेटवर्क का एरर आ चुका है, क्यों चेक करते हैं हम इसको सिंपली। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमसे मिस्टेक हुई होंगी, तो चलते हैं देखिए कहाँ पर एरर है। हमारे पास app.js की फाइल है ये, तो यहाँ पर चलते हैं app.js और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने सर्च लिख दिया, यहाँ पर हमको लिखना था सर्च। तो वापस से क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउजर पर। एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है, इसको डिलीट कर देंगे हम और वापस से हम कुछ इसमें सर्च करेंगे, जैसे कि TechInfoYT और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है, यानी कि आप देख सकते हैं स्टेटस कोड 200, यानी कि सक्सेसफुली जा रही है। और अगर आप नीचे इसको जाएंगे तो यहाँ पर रिस्पांस पर क्लिक करें तो आपको रिस्पांस भी पता चलेगा हमको क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर रिस्पांस में हमारे पास काइंड है, यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं, आइटम्स के अंदर जो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको लगेंगी, जैसे कि स्निपेट। देखिए स्निपेट के अंदर हमारे पास क्या है, टाइटल है TechInfoYT, और भी एक्सपेंड होता है कि पब्लिश चैनल ID, टाइटल है TechInfoYT, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल। तो ये तमाम चीजें हम जो है एक्सेस कर सकते हैं हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, आप क्या करें फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है ना, तो इसको हमको क्या करना है, स्टेट के अंदर स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टेट के अंदर। तो कौन से स्टेट में, तो हम इसको करेंगे स्टेट, यानी कि app.js के अंदर जो है हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट में हम इसको स्टोर करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ऑन टर्म सबमिट का फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए कहाँ पर यूट्यूब गेट जो हम कर रहे हैं ना, तो इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे। रिस्पॉन्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डॉट देन यानी कि प्रोमिसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर हम जो है असिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस्ट है असिंक अवेट का इस्तेमाल करें आप सिंपली। आप अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करें, मैं जैसा कर रहा हूँ सिंपली वैसे आप करें। तो हम क्या करेंगे, इस YouTube.get को क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स की वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो इस टर्म से पहले आप क्या करें, यहाँ पर जो है असिंक का एक कीवर्ड होता है, वो यहाँ पर आप इसमें ऐड कर दें। और इस YouTube.get जो हमारे पास मेथड है ना, इससे पहले आप क्या करें, एक वेरिएबल बनाए const रिस्पॉन्स के लिए शॉर्टकट res, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू अवेट करें इस API के एग्जीक्यूट होने का। तो ये API एग्जीक्यूट होंगी और इस रिस्पॉन्स के अंदर जो है सेव होंगी। तो अब इस रिस्पॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले console.log करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं console.log कर देता हूँ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास जो होता है वो होता है डेटा, तो आप डॉट लिखें और इसके बाद में आप क्या करें, डेटा लिखें। यहाँ तक हो गया, इसको हम क्या करते हैं सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद चलते हैं वापस ब्राउजर पर और पेज को रिलोड करते हैं, या फिर ये ऑटोमेटिक भी रिलोड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से रिलोड कर ले एक बार। तो यहाँ पर पेज रिलोड हो चुका है, अब हम यहाँ पे कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे कि TechInfoYT, आपको जो सर्च करना है आप करें। मैं सिंपली मेरे चैनल का नाम यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ और इंटर प्रेस करूंगा
इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर गेट पे रिक्वेस्ट जा रही है। अब हमने क्या किया, कंसोल पे किया है ना, तो यहाँ पे कंसोल पर क्लिक करें तो देखिए हमको यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। अब इसके अंदर आप अगर एक्सपेंड करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर एक एटम्स का यानी कि आइटम्स का एरे यहाँ पर हमको मिल रहा है जिसके अंदर कुछ वीडियोस है। तो हमने यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो मैक्स रिजल्ट हमने 5 किए थे, तो एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 रिजल्ट आ चुके हैं। इसको फर्दर हम और एक्सपेंड कर सकते हैं जिसके अंदर हमको मिलती है आईडी स्निपेट, जिसके अंदर हमारे पास चैनल आईडी भी होती है, फिर टाइटल होता है, इसको और एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम, तो हमको पूरा वीडियो का डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसकी एपीआई बहुत बड़ी है, तो जरूरी नहीं कि आपको हर चीज उसमें से जरूरत पड़े। तो जितना आपको चाहिए सिर्फ आप उतना जो है की वैल्यू पेयर्स को यहाँ से कॉपी करें। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है हमने स्टोर किया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कंसोल में तो रिस्पॉन्स आ चुका है ना, अब इस कंसोल के रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करेंगे, यानी कि स्टेट के अंदर हम सिंपली स्टोर करने वाले। तो इस ऑन टर्म सबमिट के ऊपर आप क्या करें, एक स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो स्टेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर, या फिर आप डायरेक्टली भी स्टेट लिख सकते हैं। तो इस स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियोस का, और ये एरे है याद रहे। देखिए कंसोल पे जो हमारे पास आ रहा है ना आइटम्स, तो ये एक एरे है, तो इसको हमको स्टोर करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक एम्प्टी एरे यहाँ पर सेट किया है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए कंसोल के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पांस में सेट स्टेट की मदद से जो है वीडियोस के अंदर जो है हमारा रिस्पांस ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, दिस डॉट सेट पे सेट स्टेट के अंदर आपको वीडियोस, और वीडियोस के अंदर आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास है डेटा, डेटा के अंदर है हमारे पास आइटम्स। स्पेलिंग का खास ध्यान रखें, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से बताया कि देखिए हमारे पास है आइटम्स के अंदर है एरे हमारे यानी कि वीडियोस है, बाकी ये सारी चीजें हमको जरूरत नहीं है। इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको कहीं पर भी प्रिंट करा सकते हैं टेम्पररी। तो यहाँ पर वीडियो लिस्ट है ना, वीडियो लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, JSX की मदद से जो है प्रिंट करा सकते हैं। एक पी टैग ले लेता हूं मैं यहाँ पे, पी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, आई हैव, और यहाँ पर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे this.a.video। ये वीडियोस लिखा हमने, और इसके बाद में वीडियोस, और वीडियोस के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंथ लिखना है ताकि हमको पता चले कि कितनी इसमें लेंथ हम रिसीव कर रहा है। सिंपली मैंने सेव किया, वापस चलते ब्राउजर पर और एप्लीकेशन को रिलोड होने देते हैं। तो ये कंपाइल होने में टाइम लगा सकती है, कभी कभी ऑटो कंपाइलेशन इसका थोड़ा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ एरर है, चेक करते हैं, पी इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर वापस चलते पी, अच्छा इसको लोअर केस में कर देता हूँ मैं, इसको सेव किया और वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, देखिए आई हैव जीरो वीडियोस। जीरो क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है ना इसके अंदर। अब जैसे मैं इसमें सर्च करूंगा Tech Info YT और इंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ पर जीरो के बदले हमारे पास हो गए 5 वीडियोस। समझ में आया ना आपको हमने क्या किया, तो थोड़ा बहुत समझने में टाइम लग सकता है, 1 से 2 बार देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर जो रिस्पांस रिसीव हो रहा है वीडियो का, तो वीडियो लिस्ट में हमने अभी क्या किया, यहाँ पर उसकी डॉट लेंथ लिखा, आपको अगर याद होगा तो देखिए वीडियोस डॉट लेंथ, यानी कि हमने वीडियोज को अभी नहीं यहाँ पर जो है एड किया, सिर्फ वीडियो की लेंथ को हमने यहाँ पर एड किया। अब वीडियो लेंथ हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमको अभी कंपोनेंट क्रिएट करना है, किसका, वीडियो लिस्ट का। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, वीडियो लिस्ट का कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ना आई हैव 5 वीडियोस, अब इसको हम क्या करेंगे, वीडियो लिस्ट का कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डायरेक्टली जो है लिस्ट को यहाँ पर एड करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपली अभी डेमो के लिए लेंथ यहाँ पर एड की थी, अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली वीडियोज को एड करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और सिंपली एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें न्यू फाइल कंपोनेंट्स के ऊपर और इसका नाम रखें वीडियो लिस्ट डॉट जेएसएक्स। अब ये एक फंक्शनल कंपोनेंट रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी स्टेट को मैनेज नहीं करने वाले, तो सिंपली आप लिखे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम
React, और आप क्या करें इसके बाद में इस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो const यहाँ पे आप लिखे वीडियो लिस्ट और इसको एक्सपोर्ट कर दे नीचे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आपके कंपोनेंट का नाम जो कि है वीडियो लिस्ट। देखिए अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टीज हम रिसीव नहीं कर रहे, तो अभी हमको क्या करना है, हमारे app.js से कुछ प्रॉपर्टीज को रिसीव करना है। वीडियो लेंथ यहाँ पर हमने जो किया था ना, तो इसी को हम क्या करेंगे इस वीडियो लिस्ट में टेम्पररी अभी एक्सेस करके देखते हैं। सिंपली रिटर्न करें, रिटर्न के अंदर आप JSX लिख सकते हैं। तो सबसे पहले React फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, और इसके अंदर एक हम क्या कर सकते हैं div ले लेंगे, और div के अंदर अभी टेम्पररीली हम कुछ यहाँ पर प्रिंट कराते हैं JSX एक्सप्रेशन की मदद से। props.videos.length, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, वीडियोस का प्रॉप्स यहाँ पर ऐड किया। हालांकि अभी हमने इसे क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको हम क्या करेंगे हमारे app.js की फाइल में जो है ऐड करेंगे। साथ ही में आप क्या करें इस कंपोनेंट को जो है प्रॉप्स पास करा दें, ताकि हम प्रॉप्स को एक्सेस कर पाए। इसको सेव कर लें, सेव करने के बाद app.js पर जाएं और इस फाइल को आप जो है इम्पोर्ट करें। तो इम्पोर्ट, और इसका नाम है वीडियो लिस्ट, वीडियो लिस्ट from .slash component, components के अंदर हमारे पास video list का component without extension। तो हमने अभी पहले क्या किया था, यहाँ पर video list के लिए h1 इस्तेमाल किया था ना, अब इन दोनों को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और सिंपली इसका कस्टम html element टैग हम लिखेंगे video list with self closing tag, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कुछ props pass कराएंगे, जैसे कि आपको बताया था मैंने यहाँ पर वीडियोस, अब ये वीडियोस मैं यहाँ पर पास करा दूंगा। तो सिंपली आप लिखें वीडियोस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे हमारे पास जो वीडियो हम रिसीव कर रहे हैं ना, यहाँ पर वीडियोस का एरे वो इसके अंदर पास करा देंगे। तो सेम नाम से भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग कॉम्पोनेंट में यूज होने वाले, अगर सेम कॉम्पोनेंट में है तो आप अलग नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट वीडियोस और इतना लिखकर सेव कर दूंगा, और चलते हैं हमारे पास ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पेज जो है रिफ्रेश हो चुका है, अभी इस वार्निंग को आप इग्नोर करें। तो देखिए इनिशियली हमारे पास क्या है, अभी जीरो है। अब हम इसमें कुछ सर्च करते हैं टेक इन्फो वाईटी और इंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए इसकी क्वांटिटी जो है वो 5 होगी, मतलब कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। हमने क्या किया इस सर्च बार कंपोनेंट से डेटा सेंड किया इस वीडियो लिस्ट कंपोनेंट में, तो पेरेंट टू चाइल्ड हमने रिलेशनशिप यहाँ पर देखा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो आई एम रियली सॉरी। देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्चुअल में लिस्ट को रेंडर करना है। तो आपको क्या करना है वीडियो लिस्ट के लिए एक कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है, क्योंकि हम जो है अलग से जो है एक वीडियोज के लिए भी कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा जो कोड रहे वो ज्यादा क्लीन रहे। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हमने लेंथ प्रिंट करा रहे थे ना, सिंपली इसको कट करता हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं प्रॉप्स रिसीव कर रहे थे तो इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है आपको पता है, हम डायरेक्टली कोई भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं रिएक्ट में डिस्ट्रक्चर की मदद से, यानी कि प्रॉप्स डॉट लिखना पड़ता था ना, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं वीडियोस लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि हमने app.js में यहाँ पर जो वीडियोस बनाया है ना, कहाँ पर है देखिए वीडियो लिस्ट के अंदर जो वीडियोस पास कराया है ना, तो हमको props.videos लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चरिंग के मदद से वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे, अभी हमको क्या करना है एक न्यू कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है वीडियो आइटम के नाम से। अब वीडियो आइटम के नाम से क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है हम पूरा वीडियो को अलग से जो है शो कराएंगे, यानी कि उसके अंदर जो जो हमारे पास थंबनेल है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, वो शो कराना है हमको। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है इंपोर्ट करा देता हूँ, अभी हमने क्रिएट नहीं किया याद रखें, इसको हम क्रिएट करने वाले थोड़ी देर में। तो इसका नाम रखिए आप वीडियो आइटम फ्रॉम, सेम फाइल में रहेगा ये, इसका नाम रखिए आप वीडियो आइटम, सॉरी स्पेलिंग का ध्यान रखें, और इसका जो है एक्सटेंशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ये क्रिएट नहीं किया है, थोड़ी देर में हम क्रिएट करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे लिस्ट आ रही थी ना, तो लिस्ट को इटरेट कैसे करते हैं हम, मैप फंक्शन की मदद से। तो मैप फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है
जितना भी हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं ना उसको इटरेट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सिंपली क्या करते हैं, रिटर्न के ऊपर, रिटर्न के ऊपर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम रख देते हैं हम, क्या नाम रखते हैं इसका, रेंडर लिस्ट, रिलेटेड नाम है रेंडर लिस्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, यानी कि वीडियोस है ना, यहाँ पर हम जो डिस्ट्रक्चर किया था, तो इस वीडियोस को मैप करेंगे, वीडियोस डॉट मैप। और मैप क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर जो है रिसीव कर रहे हैं हम एक वीडियो को, तो आप इसमें की कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा मैप फंक्शन कैसे काम करता है, नहीं करता तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो वीडियोस, यहाँ पर हमारे पास वीडियोस का एरे आएगा, तो वीडियोस को हम एक्सेस कर सकते हैं कैसे, सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे हमारे वीडियो आइटम कॉम्पोनेंट को। तो यहाँ पर आप सिंपली लिखें वीडियो आइटम, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सिंपली इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिटर्न में जो है इसको, यानी कि इस रेंडर लिस्ट को यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेंडर लिस्ट को यहाँ पर जो है रेंडर कराएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखें रेंडर लिस्ट। तो देखिए अभी हमारे पास वीडियो आइटम का कंपोनेंट नहीं है, तो इसको हम फटाक से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस कंपोनेंट पर आए, एक न्यू फाइल क्रिएट करें जिसका नाम है वीडियो आइटम डॉट जेएसएक्स। अब ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट रहेगा, तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, जल्दी से क्रिएट करते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और कॉन्स्ट वीडियो आइटम, फिर ये भी क्या करेगा, प्रॉप्स रिसीव करेगा ना, तो यहाँ पे अभी से इसको प्रॉप्स दे देते हैं, बाद में हम इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या रिटर्न करने वाले, सिंपली हमारे पास वीडियो आइटम, तो रिटर्न लिखें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिव अभी फिलहाल के लिए रिटर्न कराएंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, डोंट वरी। इतना लिखकर इसको सेव करें, और वीडियो लिस्ट को भी आप सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस ब्राउजर पर चलते हैं, तो ये पेज रिलोड होगा। तो देखिए रिलोड होने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, मगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा टेक इन्फो वाई टी और इंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 बार जो है आइटम जो है आ चुका है। तो एक्चुअल में आपको समझ में आया इसमें हुआ क्या, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमारे पास वीडियोस जितने भी आ रहे थे ना, इसको मैप किया, और ये मैप हमने एक वीडियो नाम के, देखो मैप फंक्शन क्या करता है, हमारे पास जो है एरे और एक की देता है ना, तो की तो अभी हमने दिया नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यूज को हमने वीडियो नाम से सेव किया, और इस वीडियो को हमने डायरेक्टली क्या किया, वीडियो आइटम कॉम्पोनेंट को इटरेट करा दिया, यानी कि 5 बार ये वीडियो आइटम का कॉम्पोनेंट एग्जीक्यूट हो गया। ऐसा नहीं चाहिए हमको, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो ये समझ में आ गया ना आपको कैसे रेंडर हो रहा है, सिंपली आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो उतने बार यहाँ पर लिस्ट जनरेट हो रही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअल में जो है वीडियो आइटम के बदले जो है थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो करना है। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ वापस, और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वीडियो हमारे पास आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे वीडियो आइटम में एज अ प्रॉप। तो यहाँ पे आप लिखिए वीडियो, और इसको एज अ प्रॉप भी आप सेम नाम रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट में यूज हो रहा है, सेम नाम से कुछ इश्यू नहीं होने वाला, बस आपको याद रहे कि आपने सेम नाम इस्तेमाल किया है। तो वीडियो 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 3 बार वीडियो है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया, अब वीडियो आइटम में आएंगे, और यहाँ पर हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं ना, इसके बदले हम डायरेक्टली जो है वीडियो को यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर देंगे, और इस div के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर जो है div लिखेंगे, div इसलिए क्योंकि बाद में हम इसमें क्लासेस को ऐड करेंगे, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इमेज, इमेज के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर हमको देना है यहाँ पर डायनेमिक वैल्यूज। अब ये डायनेमिक वैल्यू कहाँ से आएंगे, अच्छा डी लिख दिया यहाँ पे, ये src है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास जो रिस्पांस आ रहा है ना, रिस्पांस के अंदर हमारे पास क्या आइटम्स हैं, आइटम्स के अंदर एरे है, स्निपिट, स्निपिट के अंदर हमारे पास क्या है, कहाँ पर है, एक मिनट, देखिए स्निपिट को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास है थंबनेल, थंबनेल के अंदर हमारे पास 3 साइज
डिफॉल्ट मीडियम और हाई, तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि मीडियम, तो मीडियम पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में URL, तो इतने सारे आपको ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखना पड़ेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले वीडियो, वीडियो के बाद में हमारे पास क्या है, स्निपिट है, स्निपिट, स्निपिट के बाद में हमारे पास है थंबनेल, थंबनेल के बाद में हमारे पास उसका साइज, जो कि हमारे केस में हम मीडियम इस्तेमाल करने वाले हैं, मीडियम के बाद में हमारे पास क्या है, उसका URL, और साथ ही में क्या करता हूँ मैं टेक्स्ट भी रखता हूँ, ताकि अगर इमेज शो ना हो बराबर तो टेक्स्ट तो हमको नजर आए। तो आपको लिखना है वीडियो डॉट स्निपिट डॉट और यहाँ पर टाइटल, इसको सेव कर लें, वीडियो लिस्ट को भी आप सेव कर लें एक बार, और ब्राउजर पर वापस जाएं, मेक श्योर ये रिफ्रेश हो गया, अगर नहीं हुआ तो आप इसे रिफ्रेश कर लें। तो जैसे ये रिफ्रेश होगा, अब इसके अंदर हम कुछ सर्च करेंगे, जैसे कि टेक इन्फो YT मैंने किया, अब इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए आपको क्या नजर आता है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बहुत सारा आउटपुट, यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे नेटवर्क टैब में तो हमारी रिक्वेस्ट प्रॉपरली जा चुकी है, लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ पर वीडियो स्निपिट में कुछ मसला आया है। तो क्यों आया है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। चलिए चेक करते हैं हम वापस से, थंब नेल्स है, सॉरी हमने थंब नेल लिखा था, तो ये क्या है, थंब नेल्स है, और इसको वापस से अनकमेंट करता हूँ, फिर से सेव करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर पर, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, मेरे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है ऑटो रिफ्रेश का, इसलिए मैं इसको बार बार मैन्युअली रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ टेक इन्फो YT और इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पर वीडियोस के साथ में जो है टाइटल भी आ रहा है। तो उसको लिटिल बिट स्टाइलिंग कर देते हैं हम फटाक से, ताकि हमको इसमें ज्यादा दिक्कत ना आए, तो इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टाइलिंग का पार्ट जो है आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो टोटली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है कट कर देता हूँ, फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टिप ले लूंगा, टिप के अंदर जो है मैं सबसे पहले जो है क्लास नेम ऐड करूंगा, तो क्लास नेम आपको पता है कैसे करते हैं, क्लास नेम, और इसको मैं क्या करता हूँ कॉल MD12 कर देता हूँ, ताकि हम जो है 12 कॉलम का यहाँ पर इस्तेमाल कर पाए, कॉल MD12 इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पे एक डिप क्रिएट किया कॉल MD12 के नाम से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिप क्रिएट करेंगे और इसके अंदर भी कुछ क्लासेस हम ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं रो की, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, या फिर बॉर्डर दे देते हैं हम बॉर्डर, और यहाँ पर पैडिंग हम इसको दे देंगे थोड़ी सी, पैडिंग हमने यहाँ पर ऐड कर दी। स्टाइल, यहाँ पर हम स्टाइल टैग की मदद से जो है इसका जो कर्सर है उसको हम क्या कर देंगे, पॉइंटर कर देंगे, तो कर्सर पॉइंटर, ये हो गया। इसके अंदर जो है हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, यहाँ पर डिव रहेगा ये एक डिव हो गया। इसके अंदर भी कुछ क्लासेस हम ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम इसको कॉल MD3 कर देते हैं, ताकि छोटा सा ज्यादा जगह ना ले, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ इमेज को जो है शो कराएंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और इस इमेज के अंदर भी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, जैसे कि इसकी हाइट होती है, हाइट हम क्या कर देते हैं 50 पिक्सल कर देते हैं, और इसकी विड्थ जो रहेंगी, विड्थ हम क्या कर देते हैं 60 पिक्सल कर देते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, 60 पिक्सल कर दिया हमने, और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है अल्ट टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वीडियो डॉट स्निपिट है ना, स्निपिट डॉट टाइटल, और इसके बाद में हम क्या करेंगे SRC, यानी कि मेन जो हमारी इमेज है इसको रेंडर कराएंगे, तो उसके लिए है वीडियो डॉट स्निपिट डॉट थंबनेल्स डॉट मीडियम डॉट URL, और इस डिव के बाद में एक और डिव यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ क्लासेस ऐड करेंगे, जैसे कि कॉल MD9, क्योंकि बची हुई हमारे पास 9 कॉलम बच रहे हैं ना,
तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पी टैग की मदद से जो है यहाँ पर टाइटल शो करा देंगे हमारे वीडियो का। कैसे? वीडियो डॉट स्निपेट डॉट टाइटल, जो कि हमने अल्ट में भी प्रोवाइड किया था। अब इसको सिंपली सेव करना है, ब्राउजर पे जाना है, पेज को रिलोड करना है। तो जैसे ही पेज रिलोड होगा उसके बाद में हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं कुछ, जैसे कि टेक इन्फो वाई टी रिएक्ट जीएस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए परफेक्टली लिस्ट हमारी यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्स रिजल्ट 5 ही किया था, यहाँ पे 5 शो हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया। अभी हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड, यानी कि देखिए हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर देखिए कर्सर का हमने लिखा ना, पॉइंटर है यहाँ पे, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो है कहाँ पर है, वीडियो लिस्ट, यानी कि देखिए आपको मैं यहाँ पर कंपोनेंट में बताता हूँ। हमारे पास वीडियो आइटम है, वीडियो आइटम कहाँ पर सेंड करेंगे, वीडियो लिस्ट में डेटा, फिर वीडियो लिस्ट ऐप में। तो यहाँ पर चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये हमको देखना है हम कैसे करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसके क्लिक इवेंट पर काम करना है कि जैसे इस पर क्लिक हो तो हमारे पास वीडियो प्लेयर में वो वीडियो सेलेक्ट हो जाए और प्ले हो। तो कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है। चलिए क्या करना है, अब हमको यहाँ पर देखिए app.js पर जाना है और यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट करनी है। क्यों? ताकि हम जो है इसको होल्ड कर सके, यानी कि इस क्लिक इवेंट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम जो है इसको स्टोर कर पाए। तो यहाँ पर इसका नाम क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्टेड वीडियो रख सकते हैं, जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है नल रख देते हैं। वैसे रखना नहीं चाहिए लेकिन हम अभी टेम्पररी इसको नल कर देते हैं। नल करने के बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू मेथड यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे ऑन सेलेक्ट वीडियो, जो कि रिसीव करेगा वीडियो का एज अ आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि हमको पता चले ना जैसे यहाँ पर क्लिक करो तो कौन सा वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट हो, तो इसलिए हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में वीडियो को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वीडियो को एक्सपेक्ट करेंगे हम एज अ पैरामीटर, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सिंपली अभी कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं, ताकि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वीडियो को पेस्ट करा देंगे। यानी कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो सच में क्या रिसीव करता है। तो यहाँ पर ये एक एरो फंक्शन है, तो इसको एरो फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम दी app.js, यानी कि app.js में से ही हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया है और साथ ही में वीडियो का जो आर्ग्यूमेंट हम रिसीव कर रहे हैं ना उसको यहाँ पर पास किया है। अब इस ऑन सेलेक्ट वीडियो को आप क्या करें, वीडियो लिस्ट, यानी कि हमारे पास जहाँ पर वीडियो लिस्ट आ रही है ना, कहाँ पर है सर्च पर वीडियो लिस्ट, तो इसके बाद में एक और यहाँ पर हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखे ऑन वीडियो सेलेक्ट, आप सेम नाम रख सकते हैं क्योंकि अलग कॉम्पोनेंट में रहेगा, सेम नाम से क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी। तो ऑन वीडियो सेलेक्ट, फिर मैं करता हूँ दिस डॉट ऑन वीडियो सेलेक्ट। हमने क्या किया, ऑन सेलेक्ट वीडियो का मेथड बनाया और सेम नाम का प्रॉप यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया। अब ये प्रॉप्स की मदद से क्या होगा कि वीडियो लिस्ट जो है इसको एक्सेस कर सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो लिस्ट में आना है और यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर करना है। तो यहाँ पे आप लिखे ऑन वीडियो, यानी कि ऑन सेलेक्ट वीडियो को यहाँ पर हम एक्सेस कर पाएंगे, और आप क्या करें इसको सेंड कर दे सेम हमारे वीडियो आइटम के कंपोनेंट। तो देखिए ये क्या हो रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, तो आप अच्छे से इसको देखें। अब क्या करना है, हमको वीडियो आइटम में जाना है और इसको डिस्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑन सेलेक्टेड वीडियो, ऑन सेलेक्टेड वीडियो, अब हमको क्या करना है, तो इस डिव को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन जो है एड कर देंगे। तो इसके ऑन क्लिक पे हम क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है एज अ वीडियो आर्ग्यूमेंट में भी पास करा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम वीडियो तो रिसीव कर रहे हैं ना, तो इसको एज अ इसमें पास करा देंगे। आप सबको मैं क्या करता हूँ, सेव ऑल कर देता हूँ। आई होप हमको कुछ एरर अभी नजर ना आए, और इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये हो चुका है, अब मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ टेक इन्फो वाई टी रिएक्ट जेएस और इंटर प्रेस करता हूँ,
तो हमारे पास वीडियो आ रहा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये जो है वीडियो सेलेक्ट होना चाहिए, तो क्लिक करता हूं और कंसोल पे जाना है। सॉरी, यहाँ पर हम कंसोल ओपन कर लेते हैं, कंसोल, और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ और अब क्लिक करूंगा। और जैसे क्लिक करता हूँ, आई थॉट यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो जैसे ही क्लिक करता हूँ अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी हमको शो नहीं हो रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं हम कंसोल डॉट लॉग हमने सही लिखा है या नहीं। एप डॉट जेएस पर आए और यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है कहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको कट करके सिंपली वीडियो को पेस्ट करके देखता हूँ। आई थॉट इससे तो भी एरर नहीं आ रहा है हमारा। अब इसमें मैं सर्च करता हूँ वापस से टेक इन्फो वाईटी और इंटर प्रेस किया, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये क्लिक हो रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ तो भी मेरे से मेथड ऑटो जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस लिख लिया है क्या मैंने? अच्छा, तो देखिए ऑन सेलेक्टेड वीडियो को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया। हालांकि हमको जब भी कोई पैरामीटर पास कराना है तो हमको एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर जो है उसको पास कराना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसको पास कराना पड़े, इतना लिख के आप सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस जाए, पेज को रिलोड कर दें। एक बार रिलोड होने के बाद मैं यहाँ से सिंपली इसको क्लियर करता हूँ और वापस से आता हूँ टेक इन्फो वाई टी रिएक्ट जेएस और इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। और जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट पर क्लिक हो रहा है। बेसिक है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आई नो बहुत सारी मिस्टेक मुझसे भी हुई है और आपसे भी होंगी, लेकिन जैसे ही मिस्टेक को हम कवर करेंगे तभी तो सीख पाएंगे ना। तो अब हमको क्या करना है, जैसे हम इस पर क्लिक करें तो इस वीडियो प्लेयर में हमको वीडियो और नीचे टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि हम वीडियो कैसे शो करेंगे तो मैं बताता हूँ। जैसे आप youtube.com पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी वीडियो पर क्लिक करें और शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आता है एम्बेड का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आई फ्रेम का इस्तेमाल है। तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन में भी आई फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आई में हम क्या करेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो कराएंगे। तो आइडिया होगा कि हम वीडियो कैसे शो कराने वाले हैं, यहाँ पर हम जो है आई फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और एक न्यू कंपोनेंट भी क्रिएट करेंगे और इस डमी टेक्स्ट से जो है उस कंपोनेंट को हम रिप्लेस कर देंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पर कोई भी इस वीडियो पर आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो है अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे एक आईडी मिलेगी। आईडी को और एक्सपेंड करेंगे तो आपको वीडियो आईडी मिलेगी। तो इस वीडियो आईडी को हमें एक्सेस करना है यहाँ पर वीडियो को शो कराने के लिए। सो दैट्स इट। तो चलिए चलते हैं वापस से विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंसोल पे जो मैसेज है ना वीडियो का, तो इसको हम क्या करेंगे इस सेलेक्टेड वीडियो में जो है ऐड कर देंगे। तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, दिस डॉट सेट स्टेट और इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड वीडियो जो है ना इसको हम जो है जो हमारे पास वीडियो रिसीव होने वाला है उससे जो है स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखे सेलेक्टेड वीडियो, तो यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा और इसको सेव कर ले। अब हमको क्या करना है, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो कंपोनेंट्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर जो एक न्यू फाइल क्रिएट करें, इसका नाम आप रख सकते हैं वीडियो डिटेल्स डॉट जे एस एक्स, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वीडियो से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट रहेगा, तो सिंपली आप क्या करें इसका स्केलेटन तैयार कर लें, जैसे कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और इसके बाद में क्या करना है आपको कॉन्स्ट और आपके कंपोनेंट का नाम वीडियो डिटेल्स जो कि एरो फंक्शन रहेगा और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं नीचे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट इसीलिए कर रहे ताकि हम इसको इधर से भी एक्सेस कर पाए, यानी कि हमारे रूट कंपोनेंट में हम इसको एक्सेस करने वाले। तो यहाँ पे आप लिखे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आपके कंपोनेंट का नाम, यहाँ पे हमारे पास है वीडियो डिटेल्स कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट जो है प्रॉप्स रिसीव करेगा, तो प्रॉप्स जो है हमारे पास सेम वीडियो रहेगा, तो हम इसको पहले ही डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई वीडियो रहा तो ठीक, नहीं रहा तो एक लोडिंग का एनिमेशन यहाँ पर शो कर देंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंडीशनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इफ कंडीशन का। तो यहाँ पे आप इफ लिखें, इफ नॉट वीडियो, यानी कि अगर वीडियो नहीं मिला तो क्या करो, यहाँ पर div रिटर्न करो एक। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है रिटर्न करा सकते हैं div को, और यहाँ पर इस div के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लोडिंग का टेक्स्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पर जो है एनिमेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इतना एडवांस अभी ये प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम एनिमेशन हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर रख दी कि अगर वीडियो नहीं मिलता तो ये लोडिंग हमको दिखाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है, यानी कि एक वेरिएबल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम जो है वीडियो का जो है पाथ सेट करेंगे, यानी कि वीडियो का सोर्स, तो वीडियो src। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास देखिए, वापस से लिख चलता हूँ मैं वेब ब्राउजर पर, और हमने यूट्यूब पर देखा ना, यूट्यूब के एम्बेड पर जैसे मैंने आपको क्लिक करके बताया, शेयर पर क्लिक करें, शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको एम्बेड का ऑप्शन नजर आता है। तो इसमें भी क्या होता है, हम जो है URL के थ्रू एक्सेस करते हैं कोई भी वीडियो को। तो देखिए एम्बेड में हमारे पास सोर्स में क्या है, देखिए https://youtube.com/embed, और उसके बाद में कुछ IDs है, तो ये IDs को हमको एक्सेस करना पड़ता है। तो हम डायनेमिकली इसमें एक्सेस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना video.id.videoid, तो उसी तरीके से हमको एक्सेस करना है। यहाँ पर देखिए आईडी वीडियो आईडी और ये वाली आईडी हमको यूज करनी है। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर जो है हम पाथ लिखते हैं https/, फिर इसके बाद में आपको लिखना है www.youtube.com। आपको सॉरी सिंगल क्यूट्स नहीं, यहाँ पे पैक्टिक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जो है आईडीज को यहाँ पर मैनेज करेंगे जो कि डायनेमिक रहेंगी, तो हम जो है पैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे। तो youtube.com लिखें, उसके बाद में स्लैश में आप लिखें एम्बेड, एम्बेड लिखें। एम्बेड लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और स्लैश देना है, और यहाँ पर जो है आपको डायनेमिकली जो है आईडी को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वीडियो का हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है उसको लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर वीडियो, उसके बाद में डॉट आईडी, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है वीडियो आईडी, वीडियो आईडी। तो ये आई कैपिटल है, आप ध्यान रखें। वापस एक बार आपको बता देता हूं मैं ब्राउजर पे चल के, देखिए वीडियो आईडी में आई जो है वो कैपिटल, ठीक है ना, वीडियो आईडी। तो इतना हो गया, इसके बाद में हमको क्या करना है, रिटर्न करना है हमारा जेएसएक्स। तो अब यहाँ पे जो है हम रिटर्न कराएंगे आई फ्रेम टैग को, तो यहाँ पे रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर सबसे पहले जो है हम रिएक्ट का, रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म लिखेंगे, यानी कि एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक डिव ले लेंगे, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो आई फ्रेम, और इसके अंदर सोर्स में हमको क्या करना है, सोर्स के अंदर जो है डायनेमिक रहेगा हमारे पास जो वीडियो SRC हमने यहाँ पर क्रिएट किया है ना, तो इसको हम जो है सोर्स में ऐड कर देंगे। साथ ही में क्या कर सकते हैं, फ्रेम बॉर्डर की जरूरत नहीं है, दूसरे एट्रीब्यूट्स भी इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो SRC इसके अंदर हमने सेट कर दिया, साथ ही में इसके साथ आता है टाइटल, टाइटल भी हम सेट कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ वीडियो प्लेयर। और इसके साथ में इसकी जो है हम क्या कर सकते हैं, क्लास नेम दे देता हूँ मैं, और इसमें जो है इसकी विड्थ जो है डिफाइन कर देता हूँ, विड्थ जो रखता हूँ वो 100%। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, स्टाइलिंग में हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट दे देता हूँ मैं, हाइट जो डिफाइन करूंगा मैं इसमें 380 pixels यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हो चुका है आई फ्रेम टैग। अब इसके नीचे मैं क्या करूंगा, एक और डिव क्रिएट कर लेता हूं, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे ऐड करूंगा। तो इस डिव को हम क्या कर सकते हैं, क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम, यानी कि क्लासेस इसमें ऐड करेंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बॉर्डर दे देते हैं, और यहाँ पर पैडिंग जो है हम दे देते हैं 2 की। इसके अंदर एक H4 ले लेते हैं, H4 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है
वीडियो का टाइटल जो है बताएंगे। तो वीडियो का टाइटल कैसे एक्सेस करेंगे, वीडियो डॉट स्निपेट डॉट टाइटल। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन बताना है ना। तो डिस्क्रिप्शन हम क्या कर सकते हैं, पी टैग के अंदर लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वीडियो डॉट स्निपेट डॉट इसके बाद में है डिस्क्रिप्शन। तो आप स्पेलिंग का खास ध्यान रखें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप क्या करें, इसको app.js में जो है इंक्लूड कर दे। यानी कि हमने क्या किया था, अगर आपको याद है तो यहाँ पर एक सिंपल सा h1 के अंदर वीडियो प्लेयर लिखा था, तो अब हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे हमारे वीडियो डिटेल कंपोनेंट से। तो यहाँ पर आप app.js के अंदर सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट वीडियो डिटेल्स फ्रॉम ./components का फोल्डर है, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जो है हमारे पास है वीडियो डिटेल्स का कंपोनेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है एक्सेस करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से h1 को रिमूव करना है और यहाँ पर वीडियो डिटेल कंपोनेंट को ऐड करना है, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा। इसको आपको सेव करना है और चलते हमारे ब्राउजर के ऊपर और पेज को मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ। हाइट के अंदर हमारे पास कुछ एरर है, तो चलिए चेक करते हैं कहाँ पर है हाइट, हमने कहाँ पर सेट की थी, वीडियो डिटेल्स के अंदर। अच्छा, तो इसको हमको क्या करना है, सिंगल कीवर्ड्स में लिखना है। इसको सेव करते हैं वापस से और चलते हैं ब्राउजर पर। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लोडिंग का ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि हमने जो है डिफॉल्ट में इसे सेट किया हुआ है, तो इसको हम थोड़ी देर में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप सर्च करें tech info yt react js, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इंटर प्रेस करें। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर लिस्ट आ जाएंगी, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है कंपोनेंट शो होना चाहिए। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा है, तो चलिए चलते app.js पर। तो देखते हमने कहाँ पर इसे इंक्लूड किया था, ये रहा वीडियो डिटेल्स। अच्छा, हमने इसको जो है यहाँ पर देखिए, आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमने यहाँ पर देखिए प्रॉप्स में वीडियो तो ऐड कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पर इसको हमारे app.js में प्रॉप सेंड ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वीडियो लिखना है और इसके बाद में हमको क्या करना है, फंक्शन सबमिट कराना है। कौन सा फंक्शन, ऑन सेलेक्ट वीडियो का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन सेलेक्ट वीडियो यहाँ पर ऐड कर देंगे, दिस डॉट ऑन सेलेक्ट वीडियो। तो इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं ब्राउजर पर और पेज को रिलोड करते हैं, कुछ एरर शो होगा। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट में। app.js में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए कहाँ पर वीडियो डिटेल्स के अंदर जो है ऑन सेलेक्ट वीडियो का मेथड यहाँ पर डिफाइन कर दिया। हालांकि हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टेट के अंदर जो सेलेक्टेड वीडियो है ना, इसको हमको शो कराना है। हालांकि अभी ये नल है, तो ये नल को भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं और इसको फिलहाल जो है एम्प्टी कर लेते हैं। तो एम्प्टी करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है ऑन सेलेक्ट वीडियो के बदले हमको क्या करना है, इसको कट कर देते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट, और यहाँ पर हमको क्या करना है, सेलेक्टेड वीडियो जो है उसको यहाँ पर ऐड करना है। सेलेक्टेड वीडियो को ऐड करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे और वापस एक ब्राउजर पर और देखते हैं क्या हमको एरर आता है या फिर हमको हमारा प्रोग्राम मिलता है। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रही है, तो देखिए परफेक्टली हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं tech info yt और यहाँ पर हम जो है react.js सर्च करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो इंटर प्रेस करने के बाद हमको हमारा आउटपुट आ रहा है, वार्निंग को अभी इग्नोर करें, हम इसको अभी फिक्स कर लेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो अब हमको इस लोडिंग के बदले यहाँ पर कंपोनेंट शो होना चाहिए। तो देखिए परफेक्टली हमारे पास जो है यहाँ पर आ रहा है कंपोनेंट, जिसके अंदर जो है आई फ्रेम टैग है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो आने के लिए टाइम लगता है, तो आप ऐसा ना करें कि गड़बड़ में आप समझ ले कि यहाँ पर वीडियो शो हो रहा है नहीं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी APIs है, तो थोड़ा बहुत टाइम ले सकती है लोड होने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है, बराबर सर्च काम कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम एप्लीकेशन रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ भी डिफॉल्ट आउटपुट यहाँ पर नहीं होता है। तो डिफॉल्ट हम
सेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट का जो है लाइफ साइकिल मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करें। कैसे करते हैं देखिए, मगर कंपोनेंट डिड माउंट लाइफ साइकिल मेथड क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमारे पास जो है सेलेक्टेड वीडियो जो है वो डिफॉल्ट में एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स को जो है ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑन टर्म सबमिट का हमारे पास फंक्शन हमने क्रिएट किया था और इसके अंदर हमारे पास है रिस्पॉन्स। तो हम क्या करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स यहाँ पर ऐड कर देंगे सेलेक्टेड वीडियो में। तो यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट है, तो इसमें आप क्या करें, कॉमा लगा के यहाँ पर ऐड करें सेलेक्टेड वीडियो, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आइटम्स, और आइटम्स के अंदर जो है हमारे पास एरे है, तो एरे का पहला इंडेक्स हम यहाँ पर दे देंगे जो कि जीरो होता है। इतना लिखा, अब हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लाइफ साइकिल मेथड है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो हमारी एप्लीकेशन बूटिंग टाइप पर ही डेटा कुछ एग्जीक्यूट कर ले। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे आप कंपोनेंट डिड माउंट, और हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपली ऑन सबमिट के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो दिस डॉट ऑन टर्म सबमिट का जो मेथड है उसके अंदर एक डिफॉल्ट हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे ताकि जो है इनिशियल टाइम पर ये एग्जीक्यूट हो जाए क्यूरी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं टेक इन्फो वाई टी रिएक्ट जेएस, और इसको सेव कर लेता हूं और चलते हैं वापस ब्राउजर पर, और हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रिलोड होगी। तो देखिए हमारे पास जो है डिफॉल्ट में यहाँ पर सर्च होके आ रहा है टेक इन्फो वाई टी रिएक्ट जेएस। आप चाहे तो कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल का ही नाम लिखा है क्योंकि अदर्स का लूंगा तो कॉपीराइट भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप जो है कंप्लीट यूट्यूब का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। आई नो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो यही थी हमारी कंप्लीट वीडियो सर्च इंजन की एप्लीकेशन, यानी कि हमारा यूट्यूब का क्लोन। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी, इसमें हमको अच्छे से कॉम्पोनेंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं, और इसका सोर्स कोड की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे वहां से डाउनलोड कर लें। और साथ ही में अगर आपको कोई अदर प्रोजेक्ट्स भी देखना है तो आप नीचे कमेंट करें कि किसके ऊपर मैं अगला प्रोजेक्ट क्रिएट करूं। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें टेक्निकल अपडेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप मुझे डायरेक्टली जो है फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं इंस्टाग्राम में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मीम्स या फिर जोक्स भी शेयर करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।